केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि गायत्री मंत्र का जाप करने से लोगों का जीवन बदल जाता है और ये भी कहा कि विवेक, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। उसका विधि सम्मत, वेद सम्मत उच्चारण करने से 24 ग्रंथियां जागृत होती और हर ग्रंथि के जागृत होने से जो अंतस्त्रावों की उत्पत्ति होती है इसके अंदर सद्वृत्ति होती है। दोनों प्रकार की वृत्ति, दान की भी वृत्ति होती है, लोभ की भी वृत्ति होती है, वीरता भी होती है, कायरता भी होती है। अगर आपको दान और वीरता इस प्रकार के 24 सदलक्षणों को जागृत करना है तो नित्य गायत्री मंत्र का विधि अनुसार उच्चारण ही आपको उस दिशा में ले जा सकता है और कोई पद्धति आपको नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसको बचपन से गायत्री मंत्र सिखाया गया। मैं 4 साल का था तभी मेरे पूजने दादाजी ने मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए जो पंडित रखे थे उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र सिखाया। देश दुनिया दी ताजा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर के उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम के उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।